साड़ी कोई सा भी हो, अगर हम साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करते हैं तो साड़ी की लुक और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। आप किसी भी पैटर्न का साड़ी वेयर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत है साड़ी वेयर करने के टाइम पे। तो वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस साड़ी की ड्रेपिंग ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते तो कितनी परफेक्ट साड़ी बनी है। तो आप इजी स्टेप्स में ये साड़ी ड्रेप कर सकते हो किसी भी फंक्शन के लिए, स्पेशली शादियों के लिए। अभी जैसे मैंने बताया कि शादी सीजन चल रही है। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन फैशन स्टाइल। मैं हूँ पूनम और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप किसी भी पैटर्न की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ली है बंधानी साड़ी। आप किसी भी पैटर्न की साड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए साड़ी कुछ इस तरह से लुक है। और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ली है। आप चाहो तो लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज़ कर सकते हो। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो साड़ी में ड्रेप करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बेसिक राउंड को किस पैटर्न में लगा रहे हो। तो देखिए मैंने बिल्कुल टाइटली साड़ी की जितनी फैब्रिक है इसको टाइटली राउंड लगा दी है। और ऊपर जो बची हुई कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैंने अच्छे से टाइटली इसको अंदर टक इन कर दी है। देखिए सामने से भी अच्छे से ड्रेप हो चुकी है। अब साड़ी के पल्लू पार्ट में चलेंगे। साड़ी को पकड़ते हुए पल्लू में जाना है, क्योंकि अगर आप सडनली पल्लू पकड़ते हो तो साड़ी पलट भी सकती है और फिर से आपको साड़ी घुमानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए पल्लू पार्ट में आप किसी भी साइड से पल्लू बना सकते हैं, आपको जिस साइड से भी इजी लगे। तो मैंने यहाँ पे एक साइड को पकड़ा हुआ है और दूसरे साइड को अपने कमर में टक इन कर दी है। और कुछ इस तरह से छोटी छोटी प्लेट उठाते हुए मैं अपने थंब की मदद से इसको पॉइंट करके यहाँ पे दबा के फिर मैं प्लेट्स बना रही हूँ। आप किसी भी पैटर्न में प्लेट्स बना सकते हो, आपको जो सही लगे। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि जब भी आप प्लेट्स बना रहे हो, प्लेट्स की जो साइज़ है वो थोड़ी सी छोटी या फिर मीडियम साइज़ में बनाएं, तो इससे प्लेट भी काफ़ी अच्छी आती है, प्लेट की क्वांटिटी अच्छी आती है और साड़ी की लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो कभी अगर आपको लगता है कि बड़ी वाली आप प्लेट बना रहे हो और आपकी लुक अच्छी नहीं आ रही, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक साड़ी पिन का इस्तेमाल किया है साड़ी की प्लीटिंग को सिक्योर करने के लिए। अब मैं प्लीट बनाते हुए पल्लू की लेंथ चेक कर लूँगी, क्योंकि पल्लू मुझे थोड़ी सी लंबी वाली चाहिए। तो यहाँ पर मैं पल्लू की प्लीटिंग बना रही हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि साड़ी ड्रेप करते टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी पेशेंस। हम आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितना टाइम साड़ी ड्रेपिंग में लगा रहे हो, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप कितने पेशेंस से आप साड़ी को ड्रेप कर रहे हो। तो जब हम साड़ी को पेशेंटली ड्रेप करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि साड़ी अच्छे से बने, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में बने। तो देखिए यहाँ पे मैं साड़ी की पल्लू बना रही हूँ, तो पल्लू मैं थोड़ी सी लंबी रखती हूँ। जैसे मैं बताती हूँ कि साड़ी में टॉल लगने के लिए या फिर स्लिम लगने के लिए पल्लू की जो भूमिका है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पल्लू मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि उसकी लेंथ थोड़ी सी लंबी हो। तो पल्लू जब अरेंज हो जाएगी, और बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ, जब भी आप पल्लू को अपने शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे डाल के सेफ्टी पिन से सिक्योर करते हैं, तो इसको हमेशा पीछे की तरफ करनी चाहिए सेफ्टी पिन से सिक्योर। और यहाँ पे देखिए मैं एक साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ फिर से, क्योंकि ये जब मैं पीछे से घुमाऊँगी साड़ी को तो ये हो सकता है कि मेरे हाथों से निकल जाए, फिर मुझे प्लेटिंग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बाद में मैं निकाल लूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये लगाई हुई है। अब देखिए साड़ी को अपने शोल्डर पे रखते हुए किस तरह से मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी ब्लाउज़ में डोरी लगी हुई है तो डोरी के पास ही सेफ्टी पिन को सिक्योर करें,
तो इससे क्या होगा कि पल्लू की जो वेट है ना वो डोरी संभाल लेगी, और फिर यहाँ से मैं जो साड़ी पिन लगाई हुई हूँ उसको निकाल लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो रख सकते हो अगर आपके पास साड़ी पिन है, अगर नहीं है तो सेफ्टी पिन से आप सिक्योर कर सकते हो। और फिर यहाँ पे देखिए मैं जो फ्रंट प्लेट है इसको थोड़े से अच्छे से सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे 2-3 प्लेट लिए है, और यहाँ पर भी मैं एक साड़ी पिन की यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास साड़ी पिन अवेलेबल नहीं है। और फिर इसको पीछे से घुमाते हुए बिल्कुल सारी फैब्रिक को टाइटली खींचना है। तो खींचने से क्या होगा, जो सेंटर में हमारी प्लीटिंग बनी है जो फ्रंट पे, उसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक भी निकल जाएगी। अब कमर की फिटिंग के लिए क्या करना है, साड़ी को बिल्कुल अपने राइट लेग के पास ले जाना है, और इसे अपने पेटीकोट के साथ यहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर करनी है। जब हम सेफ्टी पिन से सिक्योर करते हैं तो हमेशा सेफ्टी पिन में कुछ पेपर हो या फिर कोई बिंदी हो सेम मैचिंग कलर की, वो डाल सकते हो। तो सेफ्टी पिन लगाते टाइम में हमेशा क्या करना है, जो हमारे थंब है थंब को इंसर्ट करके सेफ्टी पिन लगाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि आपकी पैरों में सेफ्टी पिन दब जाए। अब देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई है कमर की। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, और इसको मैं कुछ ट्विस्ट वगैरह नहीं करूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इससे मैं प्लीटिंग बना लूँगी। तो ये यहाँ से मैं आज जो बची कुची फैब्रिक है इस साइड से मैं प्लीटिंग बना रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी साइड से सेंटर प्लीटिंग की प्लीटिंग बना सकते हो। तो जैसे कि ये साड़ी बहुत ही सॉफ्ट है तो इसलिए मैं छोटी छोटी प्लेट अरेंज कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी की फैब्रिक थोड़ी सी हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, तो आप थोड़ी सी बड़ी वाली प्लीटिंग रखें, नहीं तो जब सेंटर प्लीट की लोअर पार्ट को सेट करने की बात आती है तो वो थोड़ी सी अच्छे से बैठते नहीं है, छोटे छोटे प्लेट बना लेते हैं। तो लेकिन ये साड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट है तो इसलिए मैं थोड़े छोटे वाले प्लेट्स यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। तो देखिए अरेंज करने के बाद क्या हुआ, तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैं बड़ी वाली प्लेट में कन्वर्ट कर रही हूँ। सेंटर प्लेट में हमेशा जो फ्रंट में प्लीट आती है उसे बड़ी रखनी चाहिए। और फिर क्या करना है, जितने भी साड़ी की प्लीटिंग की कॉर्नर आई है उसको एडजस्ट करते हुए बिल्कुल इक्वल बना लेनी है। अब इक्वल बनाने के बाद यहाँ पे मैं साड़ी को सिक्योर करने के लिए एक और साड़ी पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लूँगी, लेकिन उससे पहले जितनी भी प्लीटिंग मैंने यहाँ पे बनाई है सबको इकट्ठे कर लूँगी। तो क्या होगा कि इससे नीचे से जब मैं साड़ी की प्लीटिंग को ठीक करूँगी तो ये यहाँ से कहीं पर भी हिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं साड़ी पिन की यूज़ कर रही हूँ। साड़ी पिन अगर आपके पास नहीं है, आप लेना चाहते हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। ये यूजुअली लोकल मार्केट में मिलता नहीं है, ऑनलाइन लिया था मैंने। और अब मैं साड़ी की प्लीटिंग को इकट्ठा कर लूँगी, फिर मुझे इनको हाथों से प्रेस करते हुए बिल्कुल सेट कर देना है अच्छे से। अगर आपके घर में कोई है तो आप किसी की मदद ले सकते हो, अगर कोई है नहीं तो आप अपने आप पे अगर करना चाहते हो तो मैंने जैसे अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है बिल्कुल उसी जगह पे आप एक कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं था। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं इनको प्लीटिंग एडजस्ट कर रही हूँ, ताकि अगर प्रेस करूँ प्रेस करने के बाद ऐसा ना लगे कि कुछ फैब्रिक वहाँ छूट गए यहाँ छूट गए। तो इसलिए अच्छे से पकड़ते हुए जाना है बिल्कुल साड़ी के नीचे की तरफ। और यहाँ पे जो साड़ी की लास्ट की जो बॉर्डर है, जो नीचे की बॉर्डर है, उसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। सेट करने के बाद यहाँ पे मैं फाइनली इनको भी अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो इसके बाद देखना कि आप कितनी अच्छे से ये प्रेस हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आपके हाथों से प्रेस नहीं हो रहे तो आप हेयर स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। इसके बाद मुझे इन्हीं प्लेट को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ जाना है, छोड़ना नहीं है नीचे से पहले से ही। और फिर इनको जितनी भी प्लेट मैंने यहाँ पे बनाई है उन सबको पकड़ते हुए
देखिए मैं बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल नेबल के पास इनको टक कर रही हूँ। टक करने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ प्लीटिंग अंदर चले गए थे, इनको मैं विजिबल कर रही हूँ ताकि प्लीटिंग की क्वांटिटी भी ज़्यादा नज़र आए और प्लीटिंग अच्छी भी दिखे। तो फाइनली हमारी साड़ी की ड्रेपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आप फाइनल लुक कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि कितनी फिटिंग और कितनी अच्छी से ये ड्रेप हो चुके हैं। तो पीछे से भी साड़ी की कोई भी फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बचा जो कि आपको फुली फुली महसूस हो। आप किसी भी साड़ी को इस तरह से ड्रेप कर सकते हो, किसी भी पैटर्न की साड़ी को। फ्रंट प्लीट और कमर की फिटिंग मैंने बहुत ही अच्छे से बनाई है, देख सकते हो आप। तो ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और आप अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, इससे मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। सो आपसे मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।